दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस लॉकडाउन अचीवर्स डे में, मैं जितने भी फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं सभी का वेलकम करता हूं। और आज बहुत बड़ा दिन है और आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त शो करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी से आपको मिलाने जा रहा हूं। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने से पहले हर इंसान का सपना होता है कि मैं भी डायमंड बनूंगा। और आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या उन्होंने किया, आपको लाइव सुनने का मौका उनको मिलेगा। तो मैं, और बहुत ही जल्दी उन्होंने डायमंड शिप अचीव की है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने AWPL में ज्वाइन किया था और बहुत ही जल्दी इस अपने डायमंड शिप के सपने को उन्होंने बहुत जल्दी अचीव किया है। मैं अब ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें कॉल करना चाहूंगा और उन्हें अभी हम और आप लोग सुनेंगे। सो प्लीज मैं माइक देना चाहूंगा मिस्टर विनोद सोनी जी। विनोद सोनी जी, सभी लोग से मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लॉकडाउन अचीवर डे में अमित दुबे ऑफिशियल ग्रुप में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और मुझे बड़ा सौभाग्य रहा कि आज मुझे लाइव देखने और सुनने को आप सबको मिल रहा होगा, और ये हमारे गुरु जी की सबसे बड़ा योगदान रहा। दोस्त, मेरा नाम पड़ेगा विनोद कुमार सोनी और रहने वाला मैं मिर्जापुर से हूँ। और आज से 3 साल पहले मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था। शुरुआत एक भरोसे से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि भरोसा जो हमारे गुरु जी दिलाए, मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर और कृष्णा सर, जिनके गाइडलाइंस में मैं काम करता हूँ, आज वो भरोसा इतना बड़ा बदल चुका है कि एक मिडिल क्लास का इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपना लेकर आता है कि डायमंड बनूंगा, सपने पूरा करूंगा, वो सारे चीजें हमारे गुरु जी की गाइडलाइन से पूरा हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अमित दुबे सर का और रवि सर का, हमारे जितेंद्र सर, हमारे प्रणव पांडे सर और हमारे कृष्णा सर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये डिसीजन आज हमारे जो गुरु जी हमें दिलाएं और एक भरोसा दिलाएं कि विनोद यहाँ से सारे सपना पूरा कर सकते हो, और वह सपना आज यहाँ पे सारे पूरा हुआ। मैं बिजनेस में डायमंड बन पाया और सबसे बड़ा योगदान हमारी टीम का रहा हो। टीम में जो भी एक SP भी अगर इस लॉकडाउन में क्लोज किया है, वो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे टीम का, जो हमारी प्यारी टीम है, जिनकी वजह से आज मेरा डायमंड शिप हुआ और हमारे अपलाइन की वजह से पूरा हुआ। और दोस्त, बिजनेस जब शुरुआत हुआ था तो भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भरोसा हर कदम पे हमारे गुरु अमित दुबे सर ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी, जिसके वजह से ये सपने जो मुर्दे थे हो गए थे, वो सारे जग गए। गुरु जी का जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग लिया था, तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग में SLPS के अंदर एक भरोसा हो गया था कि यहाँ से मैं बड़ा काम कर पाऊंगा और डायमंड बन पाऊंगा। तो दोस्त, आज वो डायमंड कंप्लीट हो चुका है। अभी 2 हफ्ता पहले मेरा डायमंड कंप्लीट हुआ है और डायमंड से जो मेरी चेक बनी थी 13,10,000 रुपए का, और SLPS में अब तक का जो मेरा अचीवमेंट है वो पूरे 80 लाख रुपए से ज्यादा की हो चुकी है सर, टूर रिवार्ड और बोनस लेकर। और आज गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पास लग्जरियस कार है, जो 20 लाख की क्रेटा टॉप मॉडल से आज चलता हूँ। तो दोस्त, यहाँ से मेरी अभी एक तरीके से शुरुआत है, और तब तक मैं थकने वाला नहीं हूँ जब तक हमारे टीम के अंदर 100 डायमंड नहीं बन जाते हैं। और आज से मेरी मेहनत और ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे गुरु जी हमें बोले हैं कि मुझे इसी साल के अंदर मुझे ब्लू डायमंड बनना है, और मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं कि इस साल के अंदर ही ब्लू डायमंड 2020 में कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच। विनोद सोनी जी, आप अपने लोगों को जरूर बताएं कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आप पहले क्या करते थे और अभी आपको कैसा लग रहा है, ये एक शेयरिंग आपकी जरूर होनी चाहिए। बिकॉज SLPS वेलनेस में लोगों की लाइफ बदलती है, लोगों की लाइफ में एक बदलाव आता है, लेकिन वो कहां से आ सकता है और किस लेवल तक आ सकता है, ये आप थोड़ा सा जरूर बताएं।
गुरुजी जरूर बताएंगे अगर आपने मुझे मौका दिया। दोस्त मैंने जब शुरुआत किया था एक छोटी सी मैं नौकरी करता था बनारस के अंदर, मात्र 5 से 6 हजार रुपए हमको मिलता था, और वो शुरुआत मैंने जब किया था तो बहुत कंप्रोमाइज करके मैं जिया करता था, क्योंकि मुझे मैं अपने फैमिली को भी बनारस में लेकर रहता था और बहुत कंप्रोमाइज करके जीना पड़ रहा था। और उसी दौरान में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, एथलीट्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे गुरु मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर रूबरू कराए कि विरोध यहाँ से सारे सपने पूरा हो सकता है। और जब मैंने शुरुआत किया था तो भरोसा नहीं हो पा रहा था, और भरोसा हमारे दिलाने वाले गुरु प्रणव सर कृष्णा सर कि नहीं ये यहाँ से हो सकता है और पूरे कर सकते हो। और मैंने जब शुरुआत किया तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई जरूर आई, लेकिन आज के डेट में जो विनोद सोनी कभी 4,000, 5,000, 6,000 की नौकरी किया करता था, आज वो विनोद सोनी की बिजनेस से बड़े आराम से 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा लेता है। ये प्लेटफॉर्म में दम है और हमारे अपलाइन में दम है। मिस्टर अमित दुबे सर के ग्रुप में अगर मैं हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं गुरु जी के ग्रुप में हूँ और मैं इतना बड़ा काम कर पाया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास जी कंटिन्यू। अभी आपने सुना विनोद सोनी जी को, और बहुत सारे लोग फ्रेशर भी हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और यही एक मैसेज विनोद सोनी जी ने देने की कोशिश की आप सभी को कि एक आम आदमी जो 4 से 5 हजार रुपए की जॉब कर रहा था और कहीं ना कहीं सपने थे लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं था, और आज AWPL एक उनको साथ मिला, एक मौका दिया AWPL ने उनको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। और विनोद सोनी जी बहुत बहुत बधाई आपको डायमंड शिप की, कि आप वो डायमंड शिप आपकी अचीव हुई और आप अपने सारे सपने AWPL के माध्यम से पूरे कर पा रहे हैं। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट आपको सुनने का मौका मिलेगा वो, क्योंकि आपने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी हमारी AWPL में बहुत ही शानदार अचीवमेंट आए हैं। दो दो लग्जरियस कार BMW, जो एक आम आदमी का सपना भी नहीं होता, क्योंकि मैं अगर पर्सनली आपसे बात करूं तो शायद मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया था, मैं जॉब कर रहा था, तो मैं कभी शोरूम की तरफ भी हम देखते नहीं थे, क्योंकि एक आम आदमी सोचता ही नहीं है BMW के लिए। तो ऐसी लग्जरियस लाइफ और लग्जरी कार आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करने का हमें सुनने का मौका मिलेगा, और मैं नेक्स्ट जो हमारे लग्जरीज कार अचीवर्स हैं मिस्टर संजीव कुमार जी को मौका जरूर देना चाहूंगा। सर प्लीज संजीव सर आप बताइए आपकी जिंदगी में AWPL से पहले क्या था और AWPL आने के बाद क्या अचीवमेंट आए। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार और गुरुजनों का बहुत बहुत नमस्कार, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज मुझे मौका मिल रहा है अपने बारे में दो शब्द कहने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अपनी भी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें थी, तकलीफें थी, आज से लगभग 2005 की मैं बात बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं जस्ट नॉर्मल ग्रेजुएट हूं मैं, और ग्रेजुएट करके मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह दिया करता था, ये मेरी लाइफ थी। उसी दरमियान एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में आने का मौका मिला मुझे, और हमने पूरा फुल टाइम पूरी शिद्दत के साथ उस कंसेप्ट को, अपना टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ करके, और उस कंसेप्ट को देने की को शुरुआत की, और पूरा शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमने जिंदगी के 10 से 12 साल उस कंसेप्ट में टाइम दिया, इस उम्मीद में कि कुछ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जब उस कंसेप्ट में आया तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाई गई, और बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें बन चुकी थी, लेकिन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। दोस्तों हम दोबारा अगर मौका मिलेगा तो दोबारा संजीव जी को सुनने का मौका मिलेगा, हम नेक्स्ट अचीवर को आपके सामने रूबरू करने का मौका अभी देंगे, सुनने का मौका मिलेगा, और उनको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार एक इंसान जब ये सोचता है कि यार बस सब तो मेरी लाइफ शायद पूरा हो गया, इस जीवन का काम तो मैंने कर लिया, जब बिल्कुल रिटायरमेंट की तरफ जाता है और वो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग और AWPL में आए, और आने के बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बिल्कुल धमाल मचा दिया,
और बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, यंग स्टार भी मुझे लोग सुन रहे होंगे जिनके सामने पूरा उनका कैरियर है, और एक इंसान 60-62 साल की एज में अगर ये अचीवमेंट ले सकता है, और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा उनके बारे में, वो खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं कॉल करना चाहूंगा आप सभी के सामने, अभी उनको सुनने का मौका मिलेगा, मिस्टर हमारे यंग स्टार मिस्टर ओम प्रकाश नारायण, एक जोरदार ताली से वेलकम करेंगे। जी साहब, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, और सभी को, सभी गुरुजी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो भी आज हमारे गुरुजी के फेसबुक पर देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आए। दोस्तों, बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 34 साल आर्मी में दिया है। 1980 में गया था आर्मी में और गहन संघर्ष करके अपनी लाइफ 34 साल और सुबेदार मेजर ओनली लेफ्टिनेंट से रिटायर होकर के आया। मैं सेटल था नासिक में, 7.5 लाख का मकान लिया था सर्विस के दौरान, लेकिन जब रिटायर होकर के आया बच्चों को वहां पर अच्छा नहीं लगा कि हमारा देश छूट जाएगा, और बनारस आना पड़ा। 20-22 लाख रुपया जो मिला था मेरे को आर्मी से, उसमें मैंने मकान बनाया, और 20 लाख रुपया मेरे को HDFC बैंक से लोन लेना पड़ा, जिसकी वजह से मैं पूरा पैसा अपना खर्चा कर चुका था, मकान में लगा चुका था। इस वजह से बड़ा तकलीफ हालत में मेरा 3,500 रुपया बचता था, तो मेरे को थक हार करके BHU में जाना पड़ा। और जब मैं BHU में गया 10-12 हजार के लिए, तो आपको पता लगा होगा कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम थी, तभी गया होगा। ऐसे तो कोई जाता नहीं, एक सुबेदार मेजर रैंक का व्यक्ति BHU में नौकरी करने तो नहीं जाएगा, इतना तो पैसा उसको पेंशन मिलती है, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। तो किस कंडीशन में गया था, और बड़ा फीलिंग महसूस हो रही थी जब मैं गया था वहां पर, विश्वनाथ मंदिर है वहां पर, चौराहे पर मेरे को खड़ा कर दिया था एक सुबेदार साहब ने। मैंने उनसे यही बोला कि सर ऐसा है कि मेरे भी रिश्तेदार हैं यहाँ पर, मंदिर में आएंगे देखने के लिए, तो फिर मेरा शर्म से झुक जाएगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोई ऐसी जगह बता दो जहां से मेरे को फीलिंग महसूस नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर एक लेडीज हॉस्टल है, वहां पर जाइए, अपना टाइम पास करिए, और समझ सकते हो कि मैं गांधी स्मृति लेडीज हॉस्टल है उसमें मैं अपना ड्यूटी कर रहा था। और बोलते हैं कि आदमी तकलीफ में होता है तो भगवान मिलता है, बड़ी तकलीफ हालत में था उसमें मेरा भगवान मिला। और रात को, आपको दिन में बताया गया होगा इस बिजनेस के बारे में, लेकिन मेरे को 2:30 बजे रात को हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे भगवान जो आपके सामने हैं, इनका मुलाकात हुआ, वहीं पर पढ़ते थे, और इस कंसेप्ट के बारे में बताया, और बोला कि सर इतनी साल नौकरी कर चुके हो फिर भी ये जिंदगी जी रहे हो, तो मेरे साथ आइए एक साल, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ ऐसा उस दिन कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इससे अच्छी जिंदगी मिल सकती है तो क्यों नहीं देना चाहिए। और वो दिन था 30/5/2016 का, और गुरुजी के साथ अपना करियर लगाया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारी तकलीफें आई क्योंकि पढ़ाई मेरे को आड़े था, फौज में भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा जुनून था जो कि वहां पर जा करके मैंने अपना मेहनत करके मैंने अपने फौज का लास्ट रैंक लिया। और यहाँ भी मैं सोचा कि चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई मेरे पास कम तो जरूर है, लेकिन मेहनत भारी पड़ जाती है, और यही मेरे में था कि यहाँ भी मैं सफल हो जाऊंगा। और धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया और सीखता गया। गुरुजी ने कुछ कसम धराया मेरे को कि सर आपकी एज बहुत ज्यादा है और हमारी बात नहीं सुनोगे। उस दिन मैं बोला सर मेरे को सीखना है, मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, और मैं उस दिन 16 साल का बन गया था, पूरी आर्मी की लाइफ को कट कर दिया था कि मैं 16 साल का बच्चा बन जाता हूँ, गुरुजी आप जैसे बोलोगे वैसे काम करूंगा। जिसका नतीजा रहा कि आज मेरे को कोई ना तो यस्सर जानता था फौज में, और यस्सर बोला गुरुजी को, और जो अचीवमेंट धीरे धीरे आती चली गई, विश्वास होता चला गया। एक दिन नहीं होता, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, सीखना पड़ता है। तो मैं सीख करके सारी जितने भी अचीवमेंट आज मेरी देख रहे हो, केवल एक साल घर से भी प्रॉब्लम आई, बच्चों से भी प्रॉब्लम आई, फैमिली से भी प्रॉब्लम आई, लेकिन उनको सब मैं साइड में करके बिजनेस को अपना 100% दिया, अपना बिजनेस को आगे रखा। और आज जो अचीवमेंट है, आप सब देख रहे हो कि जो व्यक्ति 12,000-14,000 के लिए नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज उसके पास 65 लाख की BMW कल ही लेके आया हूँ, वो भी गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से। समझ सकते हो कि जो व्यक्ति इतना उस हालत में था, उसके पास ये बड़ी अचीवमेंट है, तो एक गुरु
का सपोर्ट है और हमारे जितने गुरुजी लोग हैं, अमित दुबे सर, अपना ज्ञानेंद्र शर्मा सर और आदित्य सर, बड़े लेवल में कंपनी के एमडी सर, और आपके अनिल पुरी सर, ये नईपाल सर, शिव कुमार सर, मैं देखा कि सर ये लोग आर्मी पर्सन हैं और ये लोग भी इस बिजनेस में सफल हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। बस इन्हीं लोगों के आश्रय में सोचता गया, करता गया, और ये अचीवमेंट जो आप देख रहे हो कि आज कि कैसे आती है, आज मैं नहीं, मेरे टीम में आज मेरे करीब 8 लोग हैं लेफ्ट राइट जो कि आज कार में हैं। तो वही सोचा था कि सर अकेले अचीवमेंट लेना तो कोई भी ले लेता है, किसी भी प्लेटफॉर्म लेता है, लेकिन एक टीम वर्क के साथ हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ अचीवमेंट दिला पाया, और मैं यही सोचा कि शायद बची हुई उम्र है उन लोगों के लिए दें, अगर मैं सफल हो गया तो मैं सारे लोगों को सफल कर जरूर कर सकता हूं, तो उन लोगों के साथ आज काम कर रहा हूं। ये सारी हमारे गुरुजी की जो भी चीजें बताई गई है उनका योगदान रहा, मेरे पास कुछ नहीं था, ये बिजनेस ने सब कुछ सिखा दिया। और आप सभी लोगों को यहां से मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा आज कुछ नहीं है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज बोल पा रहा हूं केवल गुरुजी की बातें हैं, वही सुना और वही आपको सुना रहा हूं। बाकी हमारे पूरे जो सामने देख रहे हैं फेसबुक पर, उन लोगों का कॉपरेशन रहा, उनसे डाउनलाइन का हमारे जो भरोसा किया था, तो थैंक यू सर, धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। ओके, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने ओपी साहब को सुना, और साहब को सुनने के बाद एक्चुअली मेरा भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि एक इंसान बिल्कुल जब लास्ट एज के और इस टाइम 62 साल की एज में, और साहब का जुनून ही है, साहब का जज्बा ही है, और साहब का विजन ही है जो साहब को आज इतने बड़े अचीवमेंट तक लेके आया। दोस्तों टाइम हमारे पास बहुत कम है, और ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अभी जिनकी वजह से शायद ये आज हम सब हैं, जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया है, हम सबको बनाया है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे महागुरु, एक ऐसे मेंटर्स जिनकी लगातार ट्रेनिंग लेके, जिनको लगातार सुनने के बाद हमारे अंदर एक अलग ही जोश और जुनून आ जाता है। बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं। मैं कॉल करना चाहूंगा हमारी कंपनी के फास्टेस्ट रॉयल डायमंड मिस्टर अमित कुमार दुबे सर को। वेलकम गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, वेलकम। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले तो काफी दिन बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, इसलिए वेलकम ऑल ऑफ यू इन द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, जिसको हम लोग नंबर वन टीम भी बोलते हैं। और आज तक इस टीम ने हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। एक्चुअली मैं पिछले एक महीने की जो हमारी अचीवर गैलरी है, पिछले एक महीने की अचीवर गैलरी को मैं मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा था, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 40-45 पीपल्स जो एक महीने के अंदर 150,000 से ऊपर की अर्निंग पे हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास जो लिस्ट अभी निकल के आई है 12 से 15 लग्जरियस कार अचीवर्स निकल के आए हैं। तो एक बहुत ही जरूरी था ऐसे समय में, ऐसे वक्त में बहुत जरूरी था कि हम लोग एक अचीवर डे को सेलिब्रेट करें, अचीवर्स डे को हम लोग मनाएं, इस जश्न को हम लोग मनाएं। और दोस्तों आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे प्यारे प्यारे लीडर्स, जिनको मैं एक एक करके आपके सामने स्पॉटलाइट करता हूं। सबसे पहले हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर अवधेश नारायण जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल चला रहे हैं अभी, मिस्टर अवधेश नारायण जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सेकेंड हमारे ब्लैक डायमंड है मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, जो कि बहुत जल्दी ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं। मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ब्लैक डायमंड बहुत जल्दी बनने वाले हैं। उसके बाद अभी तक आप सुन रहे थे मिस्टर विकास जी, जो हमारे बीच में मौजूद थे, बिकमिंग ब्लैक डायमंड है, विकास जी भी बहुत जल्दी हमारे साथ ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं। इसके बाद हमारे साथ बहुत एक फेमस जाने माने चेहरे हमारे डायमंड है मिस्टर प्रणव पांडे जी, आप देख सकते हैं मिस्टर प्रणव पांडे जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आपके बीच में मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं जो हमारे एक बहुत ही जबरदस्त बिकमिंग ब्लू डायमंड है मिस्टर जितेंद्र मौर्या जी, जो कि आजकल आपको फेसबुक पे काफी ज्यादा दिखाई देते होंगे। हमें लगता है कि SLPS का एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी इनके थ्रू होता है जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है हमारे वन ऑफ द
बीएमडब्ल्यू अचीवर मिस्टर आदित्य सिंह, आदित्य सर हमारे बीच में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने बैकग्राउंड और कलर का कोड दोनों व्हाइट व्हाइट रखा है, तो काफी प्यारा लग रहा है, काफी अच्छे लग रहे हो। इनका जो हेयर स्टाइल है पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, मैं आपको बता दूं, एक सारे के सारे जो हमारे डायमंड हैं वो आपको एक अलग से यूनिकनेस के साथ मिलेंगे। और दोस्तों हमारे नेक्स्ट डायमंड है जो कि अभी कार में बैठे हुए मुझे लगता है कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी आपके बीच में मौजूद हैं। अविनाश गुप्ता जी को भी मैं आपके सामने स्पॉटलाइट किया हुआ हूं, जिनको आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है अविनाश, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी। इसके बाद हमारे वन ऑफ द डायमंड मिस्टर कृष्णा कुमार जी हैं जो कि मर्सिडीज अचीवर हैं, बहुत कम समय में कृष्णा कुमार जी मर्सिडीज लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अभी आपके सामने मिस्टर कृष्णा कुमार जी भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि हमारे एक वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी, वन ऑफ द फेमस डायमंड हैं, मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी आपके सामने। मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी का फोटो मुझे लगता है कि नहीं आ पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, आ चुके हैं हमारे साथ मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वन ऑफ द डायमंड, हमारे आज के डायमंड मिस्टर विनोद सोनी जी, जिनसे अभी आप लोग इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं, जिनसे आप लोग मिल भी चुके हैं, बहुत प्यारे से आपको दिखाई देते होंगे और बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी हैं। इसके अलावा हमारे साथ नए अचीवर गैलरी में स्टार सफायर रैंक में हमारे साथ एक लीडर्स मौजूद हैं, मिस्टर राजेश प्रसाद जी। राजेश प्रसाद जी आपको मैं दिखा देता हूं, हमारे साथ नए अचीवर गैलरी जो इस बार की आई हुई है, 8,86,000 की चेक में राजेश प्रसाद जी मौजूद हैं। दो लोगों को मैं जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनसे भी आप मिल चुके हैं, मिस्टर संजीव कुमार सर, संजीव सर अभी मौजूद हैं जो कि बीएमडब्ल्यू अचीवर हैं, हमारे स्टार सफायर हैं और बीएमडब्ल्यू X1 इन्होंने अभी लिया है, और इनकी स्टोरी अभी आपने सुना था, बीच में कट गया, मैं इनको फिर से मौका देने वाला हूं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और बीएमडब्ल्यू अचीवर जिनको अभी आपने सुना था, बड़े ही शानदार यंग पर्सनालिटी, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं ओपी साहब मौजूद हैं। और तो और इसके अलावा दोस्तों वी आर लाइव विथ ऑलमोस्ट 44-46 पीपल्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ 44-45 पीपल्स जो है हमारे साथ अभी लाइव मौजूद हैं, जिनके पास हम लोग बातें कर रहे हैं, जिनसे हमारी बातें चल रही है, जिनको हम लोग देख पा रहे हैं, जिनसे रूबरू हो पा रहे हैं, इनसे भी आपको आज मिलने का मौका मिलेगा। पिछले एक महीने से मैं थोड़ा सा आउट था, कुछ पर्सनल काम की वजह से आउट था। अभी जब मैं आया तो मैंने पता करना शुरू किया कि पिछले एक महीने के अंदर हमने क्या अचीव किया है, क्योंकि बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक दौर होता है, एक टाइम होता है जहां पे आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद वेदर यू आर प्रेजेंट इन द फील्ड, इससे अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने टीम बहुत अच्छी बिल्डअप की है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से और शायद आप लोगों के बहुत ज्यादा सपोर्ट के माध्यम से पूरे लॉकडाउन के अंदर मैंने भी रॉयल डायमंड अचीव किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जितने लोगों का भी मैंने नाम लिया, मिस्टर विकास जी, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मिस्टर अवधेश नारायण जी, मिस्टर प्रणव पांडे जी, मिस्टर कृष्णा कुमार जी, जितेंद्र मौर्या जी, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सिंह, ये जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर आदित्य सिंह, विनोद सोनी जी, मिस्टर जयदेव विद्यानंद जी, राम नारायण गुप्ता जी, जितने भी हमारे स्टार सफायर हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे टोपाज हैं, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। जितने हमारे रूबी स्टार्स हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ऐसा हो पाया है। क्योंकि लॉकडाउन में दोस्तों जहां पूरा देश मर रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर 60 लाख की इनकम आती है तो मुझे भी बड़ी खुशी मिली थी, बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए आज जो अचीवर डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस अचीवर्स डे में वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज आवर न्यू लीडर्स। हमारे बीच में वो लीडर्स मौजूद हैं, जितने भी हमारे टोपाज एनेबल लीडर्स हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा, जितने भी हमारे न्यू अचीवर्स लीडर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग की बदौलत और आप लोगों के
मेहनत के वजह से बहुत सारे एक अच्छी अचीवर गैलरी यहाँ पे मार्केट में निकल के आई हुई है। मेरे पास उनके कुछ इमेज पड़े हुए हैं जी दोस्तों। फर्स्टली जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो हमारे जो टोपाज रैंक है, मैं टोपाज रैंक को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं ज्यादा तो उनको आपके पास शो नहीं कर सकता, बट उनकी मैं इमेज आपको शो कर सकता हूं। और मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग भी इनको जानते होंगे कमेंट सेक्शन में आप एक बार इनको जरूर बताएंगे। सबसे पहले हमारे नए टोपाज हैं, द यंगेस्ट टोपाज ऑफ एसलीपियस वेलनेस, हमारे पास ऋषि पाल साहब जो कैप्टन साहब हैं, ये टोपाज हैं जिन्होंने इस एक महीने के अंदर, अभी पिछले महीने में इनका टोपाज रैंक हुआ था और 1,93,500 रुपए का चेक था। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां कैप्टन साहब के लिए होना चाहिए। कैप्टन साहब भी हमारे पास मौजूद हैं। सेकेंड हमारे जो टोपाज रैंक अचीवर है मिस्टर चंदन सैनी जी, कैमूर से हैं और इन्होंने भी इस एक महीने के अंदर, मतलब जुलाई मंथ के, जून मंथ के अंदर इन्होंने भी टोपाज रैंक अचीव किया है एंड इनकी भी एक वीक की जो इनकम है 1,60,000 रुपए की है। तो चंदन सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। रांची फाइटर्स से है मिस्टर क्रिस्टीना बर्ता, जिन्होंने 1,65,000 का चेक लिया और बलेनो कार भी इन्होंने बुक कराया है और टोपाज रैंक के लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास नेक्स्ट मौजूद हैं मिस्टर धनंजय कुमार जी, ये भी हमारे टोपाज रैंक अचीवर है। 1,55,000 रुपए का चेक है, थाईलैंड का ट्रिप इन्होंने अचीव किया है। नेक्स्ट मिस्टर फरमान अली जी हमारे पास हैं, जो इन्होंने इस वीक में टोपाज रैंक अचीव किया इस मंथ के अंदर। 1,55,000 का चेक मिस्टर फरमान अली का भी है, तो फरमान अली को भी बहुत बहुत बधाई हो टोपाज रैंक अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर हीरा कुमार, 1,61,000 के चेक के साथ, आप देख सकते हैं मिस्टर प्रणव पांडे जी, मिस्टर आर के सिंह जी, इनके रूबी स्टार हैं, इनका भी लगा हुआ है। इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट ली है टोपाज रैंक के ऊपर, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं जरूर चाहूंगा कि जिस भी टीम के ये लीडर्स हैं वो लीडर्स अपने अपने लीडर्स को चीयर्स करने के लिए एक बार नाम जरूर ले और कमेंट सेक्शन में जरूर डाले कि मैं हीरा सर के टीम से हूं, तो यार थोड़ा सा अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाले कि नहीं, मैं आपके लीडर्स का जब नाम आता है तो खास करके आप जरूर उनको रिकॉग्नाइज करें। दोस्तों नेक्स्ट हमारे टोपाज रैंक के अचीवर है मिस्टर कुलदीप सैनी जी, जिनका 1,58,000 का चेक था पिछले मंथ के अंदर, तो बहुत बहुत बधाई हो कुलदीप सैनी जी। नेक्स्ट कुणाल कुजूर फ्रॉम रांची, इनसे मैं पर्सनली मिला हुआ था और एक बड़ी सोच के साथ इन्होंने शुरुआत किया था। कुणाल कुजूर जी के भी टीम से जितने भी लोग हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बधाई लिखें। और आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और शेयर करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई जरूर दें ताकि आपके लीडर्स को भी अच्छा लगे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस्टर महेंद्र मौर्य जी, जिनका इस वीक में 1,56,000 का चेक था टोपाज रैंक के लिए। महेंद्र मौर्य जी को भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट मरगू खलीब पीलीभीत फाइटर्स हैं, इन्होंने भी 1,60,000 की चेक टोपाज रैंक पे अचीव किया। टोपाज रैंक के लिए मिस्टर मरगूब खालिद जी को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हमारे पास महबूब राज मूलराज शर्मा जी हैं, मुझे लगता है मेरठ से हैं। 1,57,000 का चेक के लिए शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन फॉर योर टोपाज रैंक। नेक्स्ट हमारे पास एमडी तनवर जी हैं, एक यंग फाइटर्स, 1,60,000 का चेक इन्होंने लिया है, तो तनवर जी को भी 1,60,000 के चेक के लिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर नंदलाल वर्मा जी हैं बलिया से, नंदलाल वर्मा जी 1,78,000 का चेक टोपाज रैंक के लिए, नंदलाल वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। नंदलाल वर्मा जी की टीम के जितने भी लोग हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रतिभा प्रिया जी हैं, जिन्होंने 1,57,000 रुपए का चेक अचीव किया है, तो प्रतिभा जी को भी 1,57,000 के चेक के लिए और टोपाज रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर राकेश कुमार राय जी, राकेश राय जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। 1,55,000 का चेक है राकेश राय जी का, थाईलैंड का ट्रिप इन्होंने अचीव किया है। नेक्स्ट हमारे बीच में राजीव कसना जी हैं, जो कि 28/5 को टोपाज रैंक अचीव किए थे, 1,55,000 का चेक है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। संतोष खरवार जी,
टोपाज रैंक 1,55,000 के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर सिकंदर यादव जी 1,65,000 का चेक है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट सेक्शन में कम से कम यार बधाई जरूर दो। आज लॉकडाउन पीरियड में लोग 10 रुपए कमाने के लिए सोच रहे हैं, और अगर हमारे अचीवर्स ने 1,65,000 2 लाख का अगर चेक अचीव किया है तो दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग्स फॉर ऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नए अचीवर्स में हमारे साथ हैं मिस्टर सोनू मदनवाल जी। दोस्तों सोनू मदनवाल जी 1,57,000 का चेक उन्होंने अचीव किया है। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर बीरेंद्र विजेंद्र सिंह जी जो 1,65,000 का चेक इन्होंने लिया है। और इस तरह से हमारी जो टोपाज गैलरी है वो खत्म होती है। इसमें कुछ और भी लिस्ट रहे होंगे जो शायद मेरे तक पहुंच नहीं पाए होंगे, तो अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं अभी हम डायमंडो को मौका देंगे, या आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको भी लिख सकते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग इतने सारे लोग जो हमारे साथ थे जिन्होंने टोपाज रैंक अचीव किया, और एक बार मैं इन सब की झलक दिखाता हूं, कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में ही मौजूद होंगे। मैं चाहूंगा जितने भी टोपाज रैंक अचीवर्स हैं एक बार अपना हाथ रेज करें। आप देख सकते हैं हमारे पास सोनू मदलवाल जी, कुलदीप सैनी जी, राजीव कसाना जी, विजेंदर जी, हमारे पास है टोपाज रैंक अचीवर जो आपके सामने बहुत अच्छे से हाय करते हुए टोपाज रैंक अचीवर्स। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों को 1,50,000 प्लस का चेक अचीव करने के लिए, थाईलैंड का ट्रिप अचीव करने के लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ऋषिपाल साहब को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि ये कैसे पर्सनालिटी है जिन्होंने मतलब इतने कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी हमारे साथ मौजूद है ऋषिपाल साहब जी, जिनको मैंने आपके पास स्पॉटलाइट करने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं इस एज में अगर कोई इंसान इतना पांव रखता है कि नहीं मैं भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता हूं, हमारे ये आर्मी के कैप्टन साहब हैं, और आज आप देख सकते हैं कि आप सब सारे लोगों के बीच में मौजूद हैं ऋषिपाल साहब जी। दोस्तों थैंक यू। अभी दूसरे रैंक अचीवर्स की तरफ हम थोड़ा सा मूव करेंगे। दूसरे रैंक अचीवर्स हमारे पास अब मौजूद हैं और उनको मैं आप लोगों से जरूर मिलाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, वो रैंक है हमारा रूबी स्टार। रूबी स्टार में हमारे पास लगभग 18 लोग हैं पिछले एक महीने के अंदर जिन लोगों ने रूबी स्टार रैंक हमारे पास अचीव किया है। इन लोगों को मैं आपसे जरूर रूबरू कराना चाहूंगा, आपसे जरूर मिलाना चाहूंगा। जो लोग बहुत ही एक तगड़ी अचीवमेंट और एक तगड़ी अचीवर गैलरी बन के आए हुए हैं। और मेरा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके आप इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिसकी भी टीम से ये रूबी स्टार बिलोंग करता है, सपोज दैट अमरनाथ जायसवाल जी हमारे साथ पहले मौजूद हैं, तो अमरनाथ जायसवाल जी की टीम के जितने भी लोग हैं वो अमरनाथ जी का नाम लेके एक बार उनको कॉन्ग्रेट्स जरूर बोले। सारे लोग कंग्रेचुलेशन बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो अमरनाथ जी को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस किसी का एकलौता नहीं है, यहाँ पे सारे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अच्छा लगता है जब कोई हमारी सक्सेस के लिए हमें कंग्रेचुलेशन बोलता है। तो सबसे पहले रूबी स्टार में मिस्टर अमरनाथ जायसवाल जी 2,43,000 का चेक इन्होंने पिछले जून मंथ के अंदर लिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर अमरनाथ जायसवाल जी आपको। सेकंड मिस्टर ए के सिंह जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 6-7 साल का टाइम देने के बाद मिस्टर ए के सिंह जी हमारे साथ एसलीपीएस में काम की शुरुआत किए थे और 2,52,000 का चेक इन्होंने पिछले मंथ में रूबी स्टार के रूप में लिया है, बाकी चेक तो और भी रही होगी। बहुत बहुत बधाई हो ए के सिंह जी आपको भी, एंड कंग्रेचुलेशन मिस्टर अशोक ठाकुर जी फॉर रूबी स्टार। 2,41,000 रुपए का चेक आपको मिला है, बाइक फंड के भी आपको पैसे मिले हैं, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट भूपेंद्र कुमार जी फ्रॉम रांची, 2,35,000 का चेक। भूपेंद्र कुमार जी की भी टीम से जितने लोग हैं वो सारे लोग कंग्रेचुलेशन जरूर करें। इससे दोस्तों ये भी पता चलता है, कमेंट सेक्शन में लिख देने से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे लोग हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं और आपको कितना प्यार करते हैं। तो आप सारे लोग अपने अपने मोबाइल को उठा के कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करें। भूपेंद्र जी को रूबी स्टार की बहुत बहुत बधाई। हमारे पास धनंजय कुमार जी हैं, 2,34,000 का चेक। कंग्रेचुलेशन मिस्टर धनंजय कुमार फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। मिस्टर कृष्णा कुमार रूबी स्टार, 2,70,000 का चेक। मिस्टर कृष्णा कुमार जी गाजीपुर से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो रूबी स्टार के लिए। नेक्स्ट रूबी स्टार मिस्टर पूनम यादव जी एंड मिस्टर उमेश यादव जी, आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को भी। 2,40,000 रुपए का चेक अचीव करने के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई।
नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है हमारे हीरो लीडर मिस्टर राकेश मंगलम जी, 2,41,000 का चेक पटना से है। मिस्टर राकेश मंगलम जी को भी बहुत बहुत बधाई हो रूबी स्टार के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी रही है, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जो हमारे रूबी स्टार है मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने अभी कार भी अचीव किया है, बहुत ही कम समय में इन्होंने कार भी अचीव किया है, इनको मैं कार अचीवर में एक बार मैं मौका दूंगा इनको बोलने का। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी आपको। नेक्स्ट हमारे पास रूबी स्टार है जिनका 2,45,000 का चेक है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको भी। इनके एक्चुअल नेम मेरे पास लिख के नहीं आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी इनके अपलाइन है इनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर। जगन्नाथ जी हमारे पास है, जगन्नाथ जी को रूबी स्टार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट हमारा रूबी स्टार हमारे हीरो लीडर मिस्टर सरवर खान जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये टाइगर है और रूबी स्टार इन्होंने अचीव किया, 2,35,000 का चेक इनको मिला हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो सरवर खान जी। सरवर खान जी अगर हमें कहीं सुन रहे हैं तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर देंगे, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट हमारे रूबी स्टार है मिस्टर सुरेश कुमार जी, जिन्होंने 2,43,000 का चेक लिया है, मिस्टर सुरेश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सुरेश कुमार जी की टीम के जितने भी लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सुरेश कुमार जी की टीम के लोग। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उपेंद्र कुमार जी, ये हमारे बिहार जहानाबाद से हैं, जिनका पिछले मंथ में 2,39,500 रुपए का चेक रहा है, बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर उपेंद्र कुमार फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास विजेंद्र कुमार सैनी जी हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट पीरियड में रूबी स्टार अचीव किया, 2,44,000 रुपए का चेक इन्होंने लिया है। तो ऑल जितने भी हमारे रूबी स्टार अचीवर्स थे उनको बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक बार स्क्रीन पे अपने रूबी स्टार को लाना चाहूंगा, जितने भी हमारे रूबी स्टार हैं वो एक बार हाथ ऊपर करेंगे और एक बार पब्लिक को बता देंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मिस्टर सुधा कुशवाहा मैडम, मिस्टर बसंत लाल जी हमारे पास मौजूद है, मिस्टर राकेश मंगलम जी हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार रूबी स्टार हमारे हाथ ऊपर करेंगे, मैं आपको जरूर पब्लिक के सामने लाइव वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पहला रूबी स्टार है मिस्टर सुधा मैडम, दूसरे हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राकेश मंगलम जी, जिनका अभी आपने चेक देखा था, 2,45,000 का चेक था, मिस्टर राकेश मंगलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे रूबी स्टार हैं मिस्टर बसंत लाल जी, बसंत लाल जी की वीडियो में नहीं ला पा रहा हूं, कुछ कारणवश हो नहीं रहा है। और नेक्स्ट हमारे साथ रूबी स्टार है मिस्टर अशोक ठाकुर जी, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे रूबी स्टार लीडर्स मौजूद हैं हमारे पास सेक्शन में। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों को, कांग्रेचुलेशन, और मैं पर्सनली आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां बजाऊंगा क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने धमाल मचाया है और इस धमाल के साथ जो आप लोगों ने एक चेक हासिल किया है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों इसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट रैंक आता है मिस्टर सफायर रैंक, जिस रैंक पे आपको पता है कि 3,00,000 से ऊपर की इनकम आती है। और जी हाँ, दुबई की एक ट्रिप मिलती है, लॉकडाउन में दुबई की ट्रिप तो मिलेगी नहीं, तो हम लोग दुबई वर्चुअल घूमेंगे और उस ट्रिप के आपको पेमेंट मिल जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है। तो हमारे पास सफायर रैंक के भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में सफायर रैंक अचीव किए हैं, और ये कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। हमारे पास केवल सफायर रैंक में 2 लीडर्स मौजूद हैं जिनको मैं आपके सामने थोड़ा सा बोलने का भी मौका दूंगा, आपके सामने लाता हूं, लेकिन एक बार उनको हम बाय फोटो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ विवेक मिश्रा जी, 3,70,000 का चेक है, मिस्टर विवेक मिश्रा जी को सफायर रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई, दुबई का ट्रिप इन्होंने अचीव किया। और सेकेंड जो हमारे साथ सफायर रैंक के लीडर्स हैं मिस्टर देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, सेकेंड सफायर रैंक के लीडर्स हमारे साथ हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं देवेंद्र जी को भी लाने की कोशिश करता हूँ, बहुत छोटी सी पिक हमारे पास आई है। देवेंद्र जी को भी 2,81,000 के चेक के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन इन दोनों को हम लोग अभी लाइव एक बार देख लेते हैं, एक बार इनके टेस्टिमोनियल हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। मैं चाहूंगा मिस्टर विवेक मिश्रा जी हमारे साथ जहां भी मौजूद हैं अपने माइक को थोड़ा सा ऑन जरूर कर लेंगे। विवेक मिश्रा जी को मैं आपके सामने लाइव लाता हूं, और ये हमारे साथ विवेक मिश्रा जी आ गए। हाँ मिश्रा जी, आप जरूर थोड़ा सा बताएं कैसा लग रहा है आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज सही करें। सर अभी आ रही है?
हेलो जी, आ रही सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस बहुत बड़े मंच पे बोलने का। और रही बात, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की थी, 16 अगस्त 2016 को मेरी ज्वाइनिंग थी इस इंडस्ट्री में। लगभग 2 साल काम करने के बाद ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां से अपनी सक्सेस आए। मेरी शुरुआत इस कंपनी में नवंबर में 2017 को मैंने प्लान देखा, जनवरी से मैंने कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया। मैं मेरे अप्लाइंग के बारे में बताना चाहूंगा, मिस्टर राम नारायण सर के माध्यम से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और 2 साल मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया और आप लोगों का गाइडलाइन और आशीर्वाद के साथ मैं इस व्यवसाय में एज ए सफायर रैंक पे आज काम कर रहा हूँ। एजुकेशन मेरा MBA था, MBA करने के बाद मैंने 3 महीना जॉब किया, लेकिन जॉब करने के बाद मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग और स्लीपियस वेलनेस को फुल टाइम देना चाहिए और आज 2 साल बाद काम करने के बाद अचीवमेंट्स लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा। विवेक कुमार जी हमारे साथ ग्लेंजा कार अचीवर भी हैं, तो और मुझे लगता है कि सर अपनी कार में ही बैठे हुए हैं। तो सर अपनी लाइफ की पहली कार लेके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है कि लाइफ में पहली कार और वो भी स्लीपियस वेलनेस में मात्र 2 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है सर। और ये सिर्फ संभव है तो सिर्फ और अमित दुबे सर की टीम में, इस ग्रुप में जो भी व्यक्ति आएगा सर उसका पक्का 2 साल के अंदर कार आएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज पूरी हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग कह रही है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। और हमारे साथ फिर दूसरे लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं, मिस्टर देवेंद्र सिंह जी जो की हमारे पास सफायर रैंक पे हैं और इन्होंने भी एक बड़ा चेक लिया था। बहुत प्यारा लीडर है ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल चार्मिंग पर्सनालिटी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। देवेंद्र सर बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है इस लॉकडाउन पीरियड में, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं जिनको हम लोग सुनेंगे, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप थोड़ी सी अपनी स्टोरी जरूर बताएं। धन्यवाद गुरु जी, सबसे पहले तो मैं एक सेकंड जी डबल हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम। नमस्कार गुरु जी, चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम, आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही आ रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद गुरु जी, आज इन सब लोगों के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आज आपके माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला तो मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ। और मैं अपने बारे में 1 मिनट के अंदर बताऊँ तो गुरु जी, डायरेक्ट सेलिंग में एज ए करियर शुरुआत की थी, एक कंपनी में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे था, 65,000 रुपए पर मंथ की सैलरी लेकर लाइफ को आगे चला रहा था। हायर एजुकेशन भी ली, MSc मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी, MBA करा, लेकिन नौकरी करने से सपने पूरे नहीं लग रहे थे, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर ज्वाइन किया। और AWPL में आने से पहले एक कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 3.5 साल वर्क किया, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाए। और सौभाग्य के साथ मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में AWPL प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला, और आज AWPL प्लेटफॉर्म के माध्यम से मात्र 6.5-7 महीने मेहनत करने से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन के माध्यम से आज सफायर लेवल अचीव करा, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज 17 लाख से ज्यादा रुपए का अचीवमेंट है। और गुरु जी ये तो खाली ट्रेलर है, आप लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बनता रहेगा तो AWPL में हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, ये छोटे मोटे लेवल अचीव करने नहीं आए हैं, AWPL में बेंचमार्क बनाने आए हैं, नया माइलस्टोन बनाने आए हैं, और मात्र 1 साल के अंदर डायमंडशिप अचीव होगा गुरुजी, ये वादा है मेरा आपसे। और इन सबका जो आज तक जो हमारे पास अचीवमेंट आ पाया है उस सबका श्रेय यदि जाता है तो सबसे बड़ा जाता है मेरे गुरु जी मिस्टर विकास गुरु जी, आज मेरे मेंटर है, मेरे आदर्श है, उनको देख के मैंने शुरुआत करी। आज उसके बाद सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है इस लॉकडाउन पीरियड में जहां लोग घर के अंदर थे, आप जैसे मेंटर, आप जैसे मार्गदर्शी, वैसे लोगों ने अपनी स्पीड को बूस्टअप किया साथ में। मैं सच में ऋणी रहूंगा गुरु जी आप जैसे दमदार और मेंटर व्यक्ति का, जिसने इस लॉकडाउन पीरियड में भी हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम घर के अंदर हैं, समय समय पर आपका ज्ञानवर्धक हमें ज्ञान बूंदे हमें लगातार मिलती रही और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक बूंदे हमें मिलती रहेंगी। मैं सब लोगों के साथ ये वंस अगेन अपनी प्यारी टीम और कोर टीम को धन्यवाद देना। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों अब वक्त है हमें कुछ सीखने का, कुछ जानने का, क्योंकि ये सब कुछ जो हो पाया है वो हमारे लीडरों की वजह से हो पाता है। हमारे सामने स्क्रीन पे है मिस्टर कृष्णा कुमार जी जो आज बताएंगे कि आज अपने टीम में इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने जो लाई है उसका राज क्या है। और सर
लगभग 2000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप बताएं कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर इतनी जो बड़ी अचीवमेंट आई है उसका राज क्या है, उसकी सक्सेस आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके आप थोड़ा सा बताएंगे। साथियों नमस्कार, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हम सभी के महागुरुजनों को कोटि कोटि नमन और हमारी प्यारी सी टीम जिन्होंने हमारा साथ दिया उन बुरे हालात में, इन बुरे वक्त में जब हमें सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम को जिन्होंने सहयोग की वजह से आज मैं डायमंड बना और ये आज ये लाइफ मिली। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रियल में हम सभी लोगों के लिए है। हम जैसे मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने जीवन को सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मुझे ये एहसास हो चुका था कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी जिंदगी बदल सकती है और हमने इसकी शुरुआत करी। और शुरुआत करना बड़ा कठिन होता है, डिसीजन लेना ही बड़ा टफ होता है, बहुत सारे लोग डिसीजन समय पर नहीं ले पाते हैं। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मैंने एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी उपलब्धि इतने कम टाइम के अंदर हमने लिया है 3 सालों के अंदर। दोस्तों इसका श्रेय जाता है हमारे गुरु प्रणव पांडे सर जिनके सहयोग के आशीर्वाद से डिसीजन लेने में हमें कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं हुई और सर का प्रॉपर आशीर्वाद रहा, अमित दुबे सर का प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन रहा, शिव कुमार सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। तो हम कह सकते हैं कि आज इस कामयाबी और इस सक्सेस के पीछे अगर है तो गुरुजनों का आशीर्वाद है। और हम सभी लोगों को अपने लाइफ में एक गुरु बनाना चाहिए और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के सक्सेस नहीं मिलती। दोस्तों हमने भी यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद से सहयोग से और टीम के एफर्ट से लगातार मेहनत किया, काम किया और डिसीजन लेकर काम करना शुरू किया और फुल टाइम एज अ कैरियर शुरुआत किया था इस बिजनेस को। आज इस बिजनेस के अंदर मैं डायमंड्स हूँ। दोस्तों आज एक लग्जरी गाड़ी का सपना होता हर इंसान का, मेरे अंदर भी एक सपना था और दोस्तों गुरुजनों के आशीर्वाद से टीम के सपोर्ट से और स्लीपर्स वेलनेस के इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म कि दोस्तों मोटरसाइकिल से सीधा मर्सिडीज अचीवर बना दिया और आज मैं करोड़पति क्लब में शामिल हो पाया हूँ। तो ये श्रेय जाता है स्लीपर्स वेलनेस हमारे गुरुजनों का, हमारी प्यारी सी टीम का जिनके सहयोग से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। दोस्तों मैं आज बताऊं, कभी हम लोग बाइक निकालते थे तो खुशियां मनाते थे, दोस्तों आज इस लॉकडाउन में भी सर हमने कई सारी गाड़ियों को डिलीवर कराया वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैं चाहूंगा कृष्णा सर के अपलाइन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम बार बार आ रहा था, मिस्टर प्रणव पांडे जी अभी आपके बीच में अपनी सक्सेस स्टोरी को जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रणव पांडे जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी मिलेगा आपको, क्योंकि सारे लीडर्स मुझे लगता है मोबाइल ऑलरेडी देख रहे हैं। प्रणव सर, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतने बड़े मंच पर मौका दिया और बोलने का सौभाग्य दिया, शुक्रिया। आप सभी हिंदुस्तान के सभी लीडर्स को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम प्रणव पांडे हुआ, 3.5 साल के सफर हो गए स्लीपियस वेलनेस के अंदर काम करते हुए। और अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर मैंने 13 साल का वक्त दिया था, 2013 में मैंने कंपनी के साथ काम किया था लास्ट टाइम तक। और बहुत बड़े नेटवर्क बनाने के बाद बहुत सारे सपनों के पीछे रह गए हम लोग। मैं एक ही बात कहता था कि सबसे बेस्ट, सबसे सिस्टम बढ़िया, सबसे सब कुछ होगा। जो सपने देखे थे पूरा होने की संभावना जहां तक नहीं लग पा रही थी, और वो सपने जो मुझे लगा था कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे नहीं होंगे, और हम लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर, मैं लगभग 3 साल तक दूर था। फिर एक मुलाकात होती है गुरुदेव से और वहां से काम की शुरुआत होती है। दोस्तों वहां से सफर की शुरुआत और आज 3.5 साल के सफर, मैं कह सकता हूँ आज जो अचीवमेंट लॉकडाउन के अंदर हमारे सभी लीडर्स और मैं खुद जो ले रहा हूँ, आज लगभग 5 लाख रुपए महीने की पेआउट है मेरी, 1.25 लाख रुपए के पेआउट में खड़ा हूँ। आज सभी लीडर्स खड़े हैं, आज जितेंद्र सर, कृष्णा सर, विनोद सर, आज डामा लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। अगर इतनी से बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो पाई तो मैं एक लाइन में सीधी इस बात बोलना चाहूंगा, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही चीज है, मैं मेहनत वहां भी 13 साल पहले डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में किया था, मैंने काम की चोरी कभी नहीं की, मैं काम चोर इंसान कभी नहीं रहा हूं, मैं गुरु भक्त हमेशा रहा हूं, मैं तब भी था और आज भी हूं। मेरे सभी सुनने वाले और चाहने वालों से एक ही रिक्वेस्ट है,
जिंदगी में एक फैसला जरूर करना चाहिए और मैंने भी किया। हाँ, डर जरूर था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोस्तों अगर मैंने शुरुआत नहीं की होती तो शायद ये जिंदगी जो 1,30,00,000 रुपए की मैंने अचीवमेंट करी है वो शायद मैं नहीं कर पाता। साथ के सभी दोस्त जो मेरे साथ आए थे सबके साथ डर था, लेकिन सबके सक्सेस में चार चांद लग गया। तो एक फैसला लेने की जरूरत होती है हर इंसान की, और जब लेगा तो ही कामयाब बनेगा, क्योंकि टैलेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए, गुरुजी हमेशा बोलते हैं। अगर टैलेंट अगर आपके पास है, आप टीम बनाने की क्षमता रखते हैं, तो प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों जो आपको आउटपुट दे पाए, और वो आउटपुट हम सबको मिल पाया जो हम लोग बहुत अच्छे से आज अचीवमेंट ले पा रहे हैं। डिलीवरी कि अच्छा प्लान करना लीडर का ये काम होता है कि अच्छा प्लान करे, अच्छा फॉलो करे, टीम के साथ अच्छा बिहेव करे, अपने अप्लाइंस के साथ अच्छा बिहेव करे, अपने सिस्टम को फोकस करे, अपने क्लाइंट के साथ प्यार करे, सबके साथ इज्जत दे, सबको इज्जत ले। तो दोस्तों ये काम, ये हमारा व्यवहार है, और इस व्यवहार को अगर एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना दोस्त, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और आज SLEPS वेलनेस हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लिए सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनकर उभर करके आया है। मैं अपनी पूरी टीम को, जो आज टीम में करोड़पति के रूप में आज कृष्णा सर, जितेंद्र सर हैं, विनोद सोनी जी आज बिल्कुल नियरेस्ट करोड़पति हैं, आज सभी लीडर्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, और इस शुभकामनाओं को मैं समर्पित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मिस्टर अमित दुबे सर को। गुरु जी, अगर आप नहीं होते तो शायद ये टीम न बनती, ये सपने पूरे नहीं होते। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, इसी शब्दों के साथ मैं वाणी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो प्रणव सर, बहुत जल्दी आप ब्लू डायमंड बन के लोगों के बीच में आएंगे, बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, टाइम हमारे पास नहीं है, हम लोग बहुत शॉर्टकट में बात करेंगे। हमारे पास अभी सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े स्टार लीडर हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर जितेंद्र मौर्या जी, जिन्होंने एक बड़ा अभी हब क्रिएट कर रखा है, जिनको आप हमेशा देखते होंगे, हर जगह पे मुस्कुराते हुए मौजूद रहते हैं। मैं बिल्कुल चाहूंगा जितेंद्र मौर्या जी का इन अचीवर्स के लिए कंग्रेचुलेशन और कुछ अच्छी मैसेज जरूर मिले। जितेंद्र जी, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मौका मिला, और आप जैसे गुरुदेव लोगों का मार्गदर्शन की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। कुछ हमारे अचीवर छूट गए थे गुरुदेव, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा जरूर। हमारे मऊ फाइटर, मऊ से एक हाउस वाइफ लेडीज जो SLEPS को करने का शुरुआत की थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जितेंद्र मौर्या जी हमसे कट हो चुके हैं। दोस्तों कोई बात नहीं, हम उनको दोबारा कोशिश करेंगे आपसे मिलवाने का। और दोस्तों अभी हम लाते हैं हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर अविनाश गुप्ता जी को हम दोबारा भी लाते हैं, जो कि बताएंगे, मुझे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। हाँ अविनाश जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? गुरु जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का, और आज उन्होंने अभी एक सप्ताह पहले उनका आया है। हाँ बताइए अविनाश जी। हाँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर प्रदान किया, और आज मैं बस लोगों से कुछ ही बात करना चाहूँ। गुरुजी ने थोड़ा समय बताया है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ आज तक पहुंचा तो इसमें सबसे बड़ा तीन चीजों का बहुत ही मैंने खास ख्याल रखा, और पहली चीज उसमें से निकल के दोस्तों गुरु भक्ति। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आज मैं जो भी करता हूं या जो भी चाहता हूं वो अपने गुरु से जरूर डिस्कस करता हूं, मिस्टर अमित कुमार दुबे सर से। और मुझे पता है कि अगर अमित दुबे सर अपने साथ है तो जिंदगी के हर संघर्ष में मैं हमेशा सक्सेस रहूंगा। उसी तरह मैं आपको बोलूंगा कि एक गुरु को जरूर आप बनाए जिसके कहे रास्ते पे आप बढ़ेंगे, और यही रीजन है दोस्तों जब मैं स्टार्ट किया था तो शायद मुझसे बहुत सारे लोग आगे थे, ठीक है, लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम बराबरी पे अगर मैं खड़ा हूं उनके, तो बस उसका पूरा योगदान अपने सभी मैं गुरु लोग को दूंगा। दूसरी बात मैं आपसे रखना चाहूंगा कि आज के समय मैं यहां खड़ा हूं तो उसमें एक चीज मैंने बहुत गौर की जो गुरु जी ने मुझे बताया कि अविनाश जी बहाने किनारे रखने पड़ेंगे, समस्या सबके साथ है, लेकिन समस्या से जो हटके काम किया ना, जिसने समस्या को अपने ताकत बनाए वही आगे बढ़ा है, ठीक है। हर आदमी के साथ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो समस्या को अपने सक्सेस के जो आड़े लाएगा वो कन्फर्म है दोस्तों कि आगे कभी नहीं बढ़ सकता। समस्या हमारे साथ भी थी, समस्या अमित दुबे सर के साथ भी थी, सभी गुरुजी लोग के साथ थी। और तीसरी बात आपसे जरूर बोलूंगा, ठीक है, कि आज तक अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो बस एक चीज को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी है, मेहनत। रात के 2 बज जाए, 4 बज जाए, या दिन के 12 बज जाए, या कुछ भी हो,
अगर कभी भी टीम में मेरी जरूरत पड़ती है किसी भी माध्यम से तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उनका सपोर्ट करूं, तबीयत ठीक हो तबीयत खराब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बोलने की शक्ति है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि टीम की मदद की जाए। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सक्सेस का कारण बनना पड़ेगा। जैसे आज अमित दुबे सर इतने सारे लोगों के सक्सेस का कारण बने हैं, उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग अपने टीम में कोर क्लब के सक्सेस का कारण बनेंगे तो आज अमित दुबे सर को लोग भगवान मानते हैं और कल आपको लोग मानेंगे। तो इन्हीं चीजों को मैंने फोकस किया और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इन्हीं चीजों को फोकस करें। और बाकी इस बिजनेस को मुझे करते 3.5 साल हो गए और गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक है मैं इस डायमंड रैंक पे हूँ। और मैं सभी गुरु जी लोगों को नाम से एक बार संबोधित करके धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे आदेश सर जिनके वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आज हमारे विकास सर, ज्ञानेंद्र सर, अमित कुमार दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, अनिल पुरी सर, एमडी संजीव सर, मैं सभी लोगों का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि शायद गुरुजी ना होते और सबका कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस में सफलता में उन लोगों का सपोर्ट है। और सभी अपने कोर क्लब लीडर अंकुर कुमार गुप्ता जी, संजय जी और जमुना जी और बाकी सभी टोपाजी ने को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग ऐसे सपोर्ट देते रहिए और आप बस गुरु भक्ति को निभाते चलिए, मेहनत पे भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपका संदेश लोगों तक पहुंच चुका है। और दोस्तों अब मैं इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में कुछ कार अचीवर को रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले उन कार अचीवर्स को आपके सामने रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। हमारे साथ कार अचीवर्स के रूप में मौजूद हैं कई सारे लोग हैं हमारे पास कार अचीवर की एक लंबी लिस्ट मेरे पास आई है, कुछ इसमें छूट भी गए होंगे मुझे पता है। कार अचीवर्स आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे कार अचीवर हैं मिस्टर आनंद मौर्या जी, जिन्होंने मारुति सुजुकी बलेनो कार अचीव किया है। तो आनंद मौर्या जी को बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम आनंद मौर्या जी से आपको बातचीत करने का भी आपको मौका देंगे, बातचीत कराएंगे। सेकेंड हमारे कार अचीवर है मिस्टर अंकुर गुप्ता जी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी जितने भी बड़े नहीं है लेकिन गाड़ी के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के मालिक हैं अंकुर कुमार गुप्ता जी। और एमजी हेक्टर इन्होंने अभी फिलहाल लिया है। सेकेंड कार अचीवर हमारे पास नेक्स्ट है मिस्टर दीपक जी, जिन्होंने हुंडई की कार अचीव करी है। नेक्स्ट हमारे पास सुधा मैडम है, जिन्होंने मारुति सुजुकी कार अचीव किया है। और नेक्स्ट हमारे पास कार अचीवर हैं मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी, इनसे भी अभी आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने क्रेटा कार यहाँ से अचीव किया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेंजा अचीवर्स हैं, मुझे नाम इनका कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे पास हैं संतोष गुप्ता जी जो ग्लेंजा कार अचीव किए हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट हमारे पास है, कुछ लिस्टें और भी रही जरूर होगी क्योंकि दो लिस्ट में आपको बता नहीं पाया। मिस्टर ओम प्रकाश नारायण साहब जिनसे आप मिल चुके हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी जिनसे आप मिल चुके हैं, मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि जितने भी हमारे कार अचीवर हैं एक बार उनसे आप लोगों को जरूर इंट्रोड्यूस कराएं। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लंबा टाइम दिया और अभी क्रेटा कार में आ चुके हैं। सर बताएं। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव बड़ा पुराना है, तकरीबन 11 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था जब मेरी उम्र 19 साल थी। मालूम नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, बस ज्वाइन कर लिया और जोश जोश में काम करते चले गए। लेकिन एक ड्यूरेशन, एक लंबा ड्यूरेशन हो गया और लंबा ड्यूरेशन के बनने होने के बाद डायमंड लेवल पर आने के बाद जो सपने जो सोचा था कि कहीं ना कहीं की बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, लाखों की इनकम होगी, ये सारी चीजें सोची थी लेकिन चीजें वो दिखाई नहीं दे रही थी, ना मेरी दिखाई दे रही थी ना मेरे साथ बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रही थी। और बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा कि वहां डायमंड बने हैं, डायमंड बनने के बाद हालात जो है वो एकदम रद्दी हो चुका है, तो वो जिंदगी में जीना नहीं चाहता था और अपने भी हालात जो है वो रद्दी जैसे ही बन गए थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरी मुलाकात महागुरु शिव कुमार सर के से हुआ और उन्होंने एसलीपीएस वेलनेस के बारे में मुझे बताया। तकरीबन 7.5 महीने हो गए हैं आज मुझे, 7.5 महीने पहले जब मुझे एसलीपीएस वेलनेस के बारे में पहले भी मौका मिला लेकिन उस टाइम के अंदर चूंकि मैं बड़ा मोटिवेट था, बड़ा जोश में था और फेक मोटिवेशन इतना लंबा था कि शरीर के हर पार्ट में घुस गया था वो, और उस टाइम के अंदर चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन एक बार मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मिला जाए, देखा जाए, लोग इतने सारे अचीवर निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े अचीवर्स निकल कर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। मैंने गुरु जी से बात किया और उनके साथ पूरा का पूरा समझा। मैं पहला ऐसा डायरेक्ट सेलर अपने आप को बोलूंगा कि जिसने इस प्लान को समझने में 12 घंटे का समय लिया, क्योंकि प्लान 40 मिनट में समझना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन प्लान समझने के बाद उसमें सफलता हासिल करना
इसके लिए बड़ा समय चाहिए होता है, तो मैंने सर के साथ बैठकर ये सारी चीजों को डिस्कस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया। टारगेट जितने भी टारगेट अभी तक जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लेकर सब टारगेट मैंने सबसे पहले अचीव किया, और आज मैं सिर्फ 7 महीनों के अंदर रूबी स्टार का अचीवमेंट ले पाया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हाथ है वो हमारे गुरु श्री अमित दुबे सर का भी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जहां जहां ट्रेनिंग्स की जरूरत है, क्योंकि फेक मोटिवेशन था मेरा और एजुकेशन की बहुत बड़ा अभाव था, तो वो एजुकेशन जो हमें मिला वो महागुरु अमित दुबे सर के द्वारा मिला, गुरु श्री कुमार सर के द्वारा एजुकेशन मिला, और लगातार काम करते रह गए, मेरी पूरी टीम मेरे साथ लगातार बनी रही और लगातार हम लोग काम करते रहे, और काम करने का नतीजा ये रहा कि लोग आज यहाँ बड़े बड़े सीमेंट बने। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आज तकरीबन 14.5 लाख से ज्यादा की इनकम आज मेरी यहाँ पर है, और रिसेंटली मैंने एक सपना बनाया था, क्योंकि मैंने देखा है 15 साल में लोगों को क्रेटा लेते हुए, और आज मैं अगर अपनी बात करूं तो सिर्फ 7.5 महीने के अंदर मैंने एक शानदार कार क्रेटा अचीव करी है यहाँ से, ज्यादा समय तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। और नेक्स्ट हमारे कार अचीवर मिस्टर बसंत लाल जी, जिनको आपके सामने हाईलाइट किया हूँ, बसंत लाल जी को सबसे पहले सर आपको कार अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ग्लेंजा कार इन्होंने अचीव किया है, और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका पहला एक्सपीरियंस है, और कार लेके सर कैसा लग रहा है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस आप लोगों को जरूर बताएं। पहले तो सबसे पहले सभी गुरुजी और महागुरु जी को प्रणाम, और नाम मेरा सर बसंत लाल प्रजापति, और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ वाराणसी का, और नेटवर्क मार्केटिंग की मेरी पहली इंडस्ट्रीज है, और मुझे 18-19 महीने हुए गुरुजी, और हमारे जो मेन महागुरुजी हैं जिनकी चरणों में आज मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, मिस्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा सर और जितेंद्र महागुरुजी, जिनकी बदौलत आज एक कुम्हार यानी पुरवा मिट्टी दिया बनाने वाला व्यक्ति आज अगर 10 लाख की गाड़ी पे आ सकता है, तो ऐसे गुरुजी के लोगों के सहयोग से, और आज मुझे कार लेकर के बहुत फीलिंग हो रहा है। आज मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी आज कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारा इतना अच्छा अचीवमेंट कैसे आया, तो मैंने बोला बस हमारे गुरुजी और महागुरुजी का आशीर्वाद है, और गुरुजी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, सब फेक होता है, लेकिन मिस्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गुरुजी और अगेन जितेंद्र कुमार मौर्या गुरुजी आज अगर मेरे लाइफ में नहीं आए होते तो आज मेरे जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता गुरुजी, और आज ये सब जो पॉसिबल हो रहा है तो एसलीपीएस जैसे प्लेटफार्म से और एक अच्छे नेक नियत कंपनी ईमानदारी से, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है गुरुजी, बस आपके बहुत बढ़िया सर, और आपने एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं इस प्रोफेशन का हूं तो मैं इस काम को नहीं कर सकता, बट यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ कि जैसा बता रहे थे कि मिट्टी का सर पहले घड़ा बनाते थे और वहां से उठ के कार में आना, इट्स रियली वेरी अमेजिंग, एंड यू आर द इंस्पायरेशन फॉर ऑल द पर्सनालिटी। जिन लोगों को सर की स्टोरी बहुत अच्छी है वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे आपको, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बधाई आपको दे रहे हैं। दूसरे हमारे पास कार अचीवर है मिस्टर आनंद मौर्या जी, जो की कार में ही बैठे हैं यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आनंद मौर्या जी अपनी गाड़ी में बैठे, मारुति सुजुकी उन्होंने पिछले महीने के अंदर लिया है, बहुत बहुत बधाई हो मौर्या जी, कैसा लग रहा है आपको एक बार जरूर बताएं लोगों को। आपका आशीर्वाद और प्यार है, पहले तो आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सारे गुरुजनों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं बसंत सर और मिस्टर चंदकेश पाल सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में लेके आया मात्र 18-19 महीने बीते हुए समय में। सर के प्लेटफॉर्म मिला और मैं कल था ड्यूटी कर रहा था हॉस्पिटल में, कुछ दिन पहले जब मिले थे तो सर के द्वारा प्रोडक्ट की बेस्ट जानकारी मिली, तो प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे। डेंटोडॉग मंजन से मेरी संस्था में शुरुआत हुई और मैं भी एमएलएम इंडस्ट्रीज को माने समझा नहीं था कभी, और समय भी नहीं देना चाहा क्योंकि मैं मेडिकल को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। धीरे धीरे सर के द्वारा हमको सूर्य प्रकाश मिश्र को और मिश्र कुमार मौर्या सर से मुलाकात हुई। मैं दोनों सर का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, और सर के गाइडलाइन जब बनना चाहूंगा। आप कार लेके आपको कैसा लग रहा है कि वाला कितना बता दो। गुरुजी मेरे जीवन काल का पहला सपना था कि मेरी फर्स्ट कार होगी तो बलेनो होगी, और जिस दिन से मैं कार में बैठा हूं तब से मेरा दिमाग अब सिर्फ ऑडी जगुआर मर्सिडीज में चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत होता है मेरे लाइफ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों हमारे बीच में और भी बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए हैं जिनको हमें सुनना पड़ेगा। हमारे बीच में सुधा कुशवाहा मैडम है जो कि लेडीज कार अचीवर है, मैं उनको जरूर आपके सामने स्पॉटलाइट करना चाहता हूँ। जेंट्स बहुत सारे कार अचीवर आपने देखा, और यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ तो केवल मेल लोग ही सक्सेसफुल हैं,
तो उन लोगों के लिए करारा जवाब सुधा मैडम ने दिया है। सर के मैडम की जो सर हैं वो आर्मी में जॉब करते हैं और मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी मैडम ने अपनी कमाई से कार अचीव किया है और हाउस वाइफ होते हुए इस बिजनेस को किया है इन्होंने और इतना बड़ा अचीवमेंट इनकी आई है। बहुत बहुत बधाई हो मैडम। सबसे पहले तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं कि लेडीज होके कार अचीव करके आपको कैसा लग रहा है। जी सबसे पहले गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन हो जो कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिए हैं। और सर मुझे एचलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो हमें 2 साल पहले देखने का मौका मिला है वो हमारे गुरु ओम प्रकाश नारायण सर के माध्यम से मिला और इसको सोचने और समझने में हमने काफी समय लगा दिया और फिर उसके बाद भी सर मैं इस बिजनेस को करने के लिए मैं स्वीकार नहीं करती थी। सर को कई बार हमने मना कर दिया कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है और हमारे लिए ये बहुत कठिन समस्या है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैडम कार लेके आपको कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। जी गाड़ी लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज मैं ओपी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ और अपनी प्यारी सी टीम का सर। आज जो कुछ भी है मेरी टीम के वजह से है और कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है सर। आपको पता है कि एक हाउसवाइफ महिला के लिए ये काम करना कितनी कठिन है, फिर भी सर ने मुझे बोला कि मैडम मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा, आप इस पे चलने का एक बार बस वादा करिए। और सर ने मुझे इतना अच्छा हौसला दिया सर कि मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे अपलाइन विनय सर हैं जो उन्होंने भी मेरा हर वक्त मेरा समय दिए हैं। और उसके बाद भी आदित्य सर, अमित दुबे सर, ज्ञानेंद्र सर, मैं सबसे बात करती रहती हूँ। कहीं भी मेरे को थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो मैडम, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अभी वक्त है हमारे डायमंड को सुनने का क्योंकि समय भी हो चुका है और मैं मौका देना चाहूंगा हमारे राम नारायण गुप्ता जी को जो 2 शब्द आप लोगों को बताएंगे अपनी अचीवमेंट के बारे में। बहुत कुछ बोलना था लेकिन चलिए सर कोई नहीं मैडम, आपको फिर मौका दिया जाएगा। हमारे साथ सामने स्क्रीन पे है मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी और राम नारायण गुप्ता जी ने एक बड़ा अचीवमेंट लिया, भी हमारे ब्लू डायमंड बनने वाले हैं। सर एक छोटा सा मैसेज पब्लिक आपसे लेना चाहती है, सक्सेस की एक छोटी सी मैसेज, आप 2 वर्ड में लोगों को क्या बता सकते हैं? राम नारायण गुप्ता जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, मुझे लगता है उनका माइक म्यूट हो चुका है। सबसे पहले गुरुदेव आपको प्रणाम, आपको धन्यवाद और सभी हमारी प्यारी सी टीम को नमस्कार जिनके बदौलत आज कुछ कहने का मौका मिला। दोस्तों आज हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक मौके की तलाश होती है, बिना एक अच्छे प्लेटफॉर्म के हमारी शक्ति हमारी काबिलियत सब धरी की धरी रह जाती है। कभी हमें भी जरूरत थी उसी बीच में रवि सर अमित सर का मिलना हुआ और सर से बातें हुई, सर लोगों ने एक विश्वास दिखाया कि जो अब तक लाइफ में नहीं हुआ अगर आप साथ देते हैं तो यहाँ से सब कुछ पूरा किया जा सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों उस दिन से जैसा सर लोगों ने कहा वैसा करने की कोशिश की गई और सर के बताए हुए रास्ते से करते हुए आज 3 साल से इस बिजनेस को किया जा रहा है, जहां से शुरू करके 2-2 बाइकें 2-2 कार बहुत सारे देश विदेश की यात्रा भी बीत करने का मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म से करोड़पति होना, बहुत जल्दी दोस्तों करोड़पति होने वाले भी हैं और कुछ ही मंथ के अंदर अपने BMW भी आने वाली है और ये सब कुछ हो पा रहा है तो हमारी गुरुदेव रवि सर अमित सर के माध्यम से हो रहा है। यही बस आपको कहना चाहूंगा दोस्तों जो भी हमें सुन रहे हैं कि दोस्तों एक शुरुआत आप कर सकते हैं, हम सारे लोग आपके साथ में हैं और जो कहीं से नहीं सपने पूरे हो सकते यहाँ पे पूरे किए जा सकते। सो धन्यवाद। अंकुर कुमारी गुप्ता जी हमारे बात बीच में मौजूद हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा अंकुर कुमारी गुप्ता जी अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर बताएं, एक छोटी सी उम्र में MG हेक्टर के मालिक बने हुए हैं, बताएं अंकुर सर। गुरुजी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आज मुझे इस लायक बनाया और सबसे ज्यादा धन्यवाद सर
आप सारे गुरुजनों का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, और अपनी प्यारी सी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज ये अचीवमेंट आई है। और ये अचीवमेंट गुरुजी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि अगर मेरा अचीवमेंट होता तो मैं एसलीपीएस में आने से पहले भी बहुत बड़ा ब्रांड होता। लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया तो उसके पीछे सारा श्रेय मेरी टीम का है, और सिर्फ सर आशीर्वाद आप लोगों का है। और बस मैं यही बताना चाहूंगा गुरुजी कि 3 साल के सफर में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से और खुद के डिसीजन से आज अगर हम यहाँ तक पहुंच पाए, तो हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, उनसे मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सर एक डिसीजन का महत्व होता है, एक डिसीजन ही इंसान को आगे तक लेके जाता है और बड़ा बनाता है। और गुरुजी आपकी टीम में जो कि एसलीपीएस की नंबर वन टीम है, और बस मैं उसको यही बताना चाहूंगा कि सर हम नंबर वन थे, नंबर वन है और आने वाले टाइम में नंबर वन रहेंगे, और जब तक सर आशीर्वाद आपका है तब तक सर नंबर वन बिल्कुल हम हैं। और सर हमारा साथ हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा, क्योंकि हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि द बीस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर्स मौजूद हैं। और दोस्तों उसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत बड़े पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं, एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, द बीस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इस इंडस्ट्री में आके, जो अभी आपको अपनी सक्सेस के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैगवार अचीवर मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी हमारे साथ, बिकमिंग ब्लैक डायमंड लीडर हमारे साथ लाइव आने वाले हैं। मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं, और उनकी चीजों को सुनने के बाद आपके अंदर बिल्कुल जो आग बोलते हैं वो आग लगने वाला है। मिस्टर ज्ञानेंद्र सर, आप अपनी विजन जरूर बताना कि अभी इस महीने में हम क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को दिल से नमन करता हूं। मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी अप्लायंस हैं, जिनके गाइडलाइंस से आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं, मैं सभी को दिल से नमन करता हूं। और जितने भी मेरे साथी हैं जिनके माध्यम से आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, जिनके से, जिनके हेल्प से, जिनके सहयोग से आज मैं यहां तक पहुंचता हूं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, एक आर्मी पर्सन जो कल कभी आर्मी की जॉब करता था, जो महज कभी 10-20-30 हजार की नौकरी करता था, 2012 में डायरेक्ट सेलिंग में आया, 2014 में 10 साल की जॉब छोड़ा, और जॉब छोड़ने के बाद परिवार में, फैमिली में एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया। 2014-16 तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग में प्लेटफॉर्म में काम किया, उतनी बड़ी सक्सेस ना मिल पाई। एसलीपीएस वेलनेस को आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट किया, और 3.5 साल में आज अगर देखा जाए जैसी गाड़ी, हर महीने 4-5 लाख रुपए की इनकम, अगर ये सारी अचीवमेंट अगर हो पा रही है, ये सारी चीजें आज मेरे मेंटर्स और मेरे साथियों की वजह से है, इसलिए मैं सही से सभी का धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, इतना ही आपको बोलूंगा कि आज ज्ञानेंद्र शर्मा जो कुछ भी है, एक डिसीजन के कारण, एक प्लेटफॉर्म के कारण, मैं आपको ऐसे मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी लोग सक्सेस हो सकते हैं, और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे अक्सर ये लगता था कि यार मेरे अंदर कमी है, तभी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। मैं लगातार मेहनत कर रहा था, लगातार स्ट्रगल कर रहा था, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही आप जैसे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लगभग 2000-3000 लोग, आप सभी के अंदर कोई कमी नहीं है। आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस है। दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत अगले महीने यानी अगस्त में लगभग 35 लाख रुपए का एक हफ्ते का चेक लेके ज्ञानेंद्र शर्मा ब्लैक डायमंड बनके आप सभी के बीच में आएगा। ये मेरा कमिटमेंट है और गुरुजी लोगों को आशीर्वाद के नाम। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो ज्ञानेंद्र सर आपकी नेक्स्ट के लिए। और दोस्तों, अभी हमारे साथ फिर से मौजूद है वन ऑफ द मोस्ट विजनरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मिस्टर विकास कुमार जी, जिनको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट पे बार बार आ रहा है कि सर विकास सर को लाइए, जबकि मैं तो शुरुआत ही विकास सर से करवाया था। मर्सिडीज अचीवर, और सबसे अच्छी रिकॉर्ड की बात है कि विकास जी अभी लगातार 2 वीक से BMW की डिलीवरी करा रहे हैं। अभी कल मैं शोरूम में गया हुआ था तो शोरूम वाला भी बोला कि सर मतलब ये जो बगल में व्हाइट सूट पहने वाले साहब हैं वो है कौन, ये हर बार मैं इनको देखता हूँ, ये BMW की डिलीवरी के लिए बोलते हैं और फिर बात कर रहे हैं कि एक और दे दे। तो इतनी बड़ी सक्सेस कैसे आई है ये जरूर विकास जी आप लोगों को बताएंगे। सो विकास जी, मोस्ट वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडिया नंबर वन टीम, जहां पे लोग आपको सुनना चाहते हैं और कुछ लोग आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं एक बार कमेंट करता हूं, लोग आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव मुझे मौका देने के लिए। और एक्चुअली सक्सेस मेरी वजह से नहीं आई, सक्सेस तो गुरु जी आपकी और एसलीपीएस की वजह से आई है, क्योंकि मैं तो पहले भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था। 16 साल 2 महीना रात दिन काम किया, मेहनत की, वहां पे भी मेहनत की, बट जो चेंज आया वो प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से आया। और उसमें हमेशा अमित दुबे सर का बिल्कुल
गाइड अमित दुबे सर का साथ हमेशा मिला और एक ऐसा ही ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बच्चे की तरह आपका आपको गुरु आपका गाइड करता है, बस आपको उनको एक बार गुरु मान लेना है। दोस्तों लगभग 25-26 महीने पहले इस सफर की शुरुआत की थी, AWPL में काम स्टार्ट किया था और एक्चुअली सपने बहुत बड़े नहीं थे क्योंकि मैं तो गाड़ी एक्चुअली वही है अपना छोटी सोच थी और मैं टेस्ट ड्राइव जो लेने गया था वरना की लेने गया था, गुरुजी का फोन आ गया और गुरुजी ने मर्सिडीज बता दी और आज मेरी लाइफ में मर्सिडीज जो बिल्कुल एक आदमी का सपना होता है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। और मेरा एक ही मैसेज आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आदमी काम तो कहीं ना कहीं करता है, मेहनत तो हर जगह कर ही रहा है, लेकिन संभावनाएं हमने वहां पे भी मेहनत की थी, बस संभावनाएं क्या थी। इस महीने की अचीवर गैलरी में क्या कमिटमेंट है सर? गुरुदेव इस महीने बिल्कुल धमाल मचाने वाले हैं। अभी आपने पिछले वीक देखा, गुरुजी ने बताया दिया BMW दो BMW आई हैं और बहुत जल्दी मेरा जो लास्ट चेक 23 लाख का बना था वो 16 जनवरी को बना था और बहुत ही जल्दी 36 लाख का चेक बनने वाला है। तो लेवल लेवल की इनकम 59 लाख है, बाकी बाइनरी 10 से 12 लाख रुपए की इनकम एक इंसान 25 से 26 महीने में अगर पहुंच सकता है तो आप देखे कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितना बड़ा इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर एक कंपनी है वो AWPL है और उसमें भी अगर कोई टीम है तो मिस्टर अमित कुमार दुबे गुरुजी की टीम है जिसमें लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। लॉकडाउन में हमने लगातार रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, आप देख रहे होंगे लगातार फेसबुक पे डेली। तो मेरा आप सभी लोगों को एक ही कहना है कि आप आइए, अगर जिस इंसान के सपने हैं तो पूरे AWPL कराएगी और उसमें भी अगर कोई फर्स्ट पूरे हो सकते हैं तो वो आपके अमित दुबे सर की टीम में हो सकते हैं, इस ग्रुप में हो सकते हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम में हो सकते हैं। ओके दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ये मेरी टीम की वजह से इतना अचीवमेंट आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों साथ साथ मैं कुछ लोगों का जवाब भी देना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं दीपमाला द्विवेदी जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा सपना गुरुकुल के लिए कुछ करने का है, तो जरूर बताएं, गाड़ी खरीदना ही सपना नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कमेंट किया है। मैडम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर इंसान के अलग अलग सपने होते हैं और हर इंसान अपने अपने सपनों के लिए जीता है, तो आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। एक्चुअल SLPS वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इट इज द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से सारे सपने पूरे हो सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ये जो लोग थे इनके सपने गाड़ी थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने अच्छे घर बनाने थे जो आपके सामने बताते होंगे, और इनके भी बहुत छोटे छोटे सपने होंगे, अपने परिवार को हेल्प करने के सपने होंगे, अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के सपने होंगे। तो देखिए दो बातें होती है, एक तो कि हमारे सपने हैं और उस सपने को किसी की सपने इस इंडस्ट्री में लोगों की हेल्प करके भी पूरे हुए हैं। कई लोग चाहते थे कि मैं समाज कल्याण का काम करें, जैसे आपके सामने कैप्टन साहब अभी आए हुए थे जिन्होंने जिन्होंने का एक ही सपना था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों की सेहत सही कर सकूं, तो उनका भी सपना पूरा हुआ, एटलीस्ट उनके भी सपने जो थे वो पूरे हुए। तो अगर आपके सपने पैसे कमा के गुरुकुल की हेल्प आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अर्न अलॉट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड SLPS वेलनेस। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं हेल्थ के रूप में, वहां से भी पूरा कर सकते हैं। तो SLPS वेलनेस नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री इज ए प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कीजिए, आप अचीवमेंट लीजिए और उस अचीवमेंट से आप कितने सपने पूरे कर सकते हैं इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो आपके जो भी सीनियर्स हैं, जो भी आपके अप्लाइंस हैं, उनके साथ आप बैठिए, एक टारगेट बनाइए, एक अपनी ड्रीम बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके लाइफ में आपकी एक ड्रीम होनी चाहिए, आप अपनी ड्रीम बनाइए और उस ड्रीम के अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए और अपने सपनों को आप धीरे धीरे करके पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं मैडम आपके साथ हैं, ऑब्वियसली आप दिन दुगना रात चौगना तरक्की करें और एक समय आए जहां आप भी शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जिनका जवाब मैं दूंगा, छत्री रोबिन जी पूछे हैं व्हाट इज SLPS और कैसे सक्सेसफुल हो, इसकी मैं राज बताऊंगा, लेकिन इसकी राज बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर, उनके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि SLPS वेलनेस क्या है और 5 साल में इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक रिकॉग्निशन अभी रहता है, मिस्टर राजेश प्रसाद जी जो स्टार सफायर हैं, इनको मैंने एज ए कार अचीवर आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन राजेश प्रसाद जी को मैं आपके सामने
हाईलाइट करता हूँ। राजेश प्रसाद जी ये देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने स्टार्स ऑफ आयरन अचीव किया है। जब राजेश प्रसाद जी मेरे से मिले थे तो कर्जे में थे और आज इन्होंने बढ़िया सी स्टार सफाई रैंक अचीव करके 8 लाख का चेक लिया है। तो बहुत बहुत बधाई हो राजेश प्रसाद जी आपको, कंग्रेचुलेशन। आप देख सकते हैं सर हमारे साथ मौजूद हैं। और दोस्तों अब बारी है, बहुत सारे लोग थे जिनको आपने सुना, बहुत सारे लोग थे जिनको आपने देखा। अब हमारे पास एक ऐसे पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान छटपटाता है। और मैं पर्सनली बोलता हूँ कि वो जो बंदा जब बोलता है ना, तो मतलब एक ताकत के साथ बोलता है, एक पावर के साथ बोलता है। हमारे बिकमिंग रॉयल डायमंड, बहुत जल्दी ये रॉयल डायमंड बनना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना नेटो मार्केट इंडस्ट्री में खुद की खुशी से ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपकी टीम आपके बगल में लाके खड़ी होती है। और मिस्टर अवधेश नारायण जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका साथ मुझे हमेशा मिला है और जिनके साथ हम लोग आगे ग्रो किए हैं। तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा उनके विजन और उनके मिशन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये पूरी टीम जो है मैक्सिमम मुझे लगता है कि आधी टीम उनका पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो लोग उनको वाच कर रहे हैं। और मैं जरूर बोलना चाहूंगा व्यूअर से कि आप अगर अवधेश नारायण जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अवधेश नारायण जी आपको उसका जवाब जरूर देंगे, आपको मिलेगा उसका जवाब। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर अवधेश नारायण जी को आपके सामने स्पॉटलाइट करता हूं, हाईलाइट करता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर अवधेश नारायण जी, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए। दोस्तों मेरा नाम अवधेश नारायण है, मैं अभी वर्तमान में स्लीपलेस वेलनेस में ब्लैक डायमंड लेवल पे हूँ। बात अगर मैं अपनी करूं तो 2007 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं। 2013 तक मैंने एक संस्था के अंदर में काम किया है। 5-6 साल मेहनत करने के बावजूद वो बड़ी सफलता न मिल पाने के कारण, घर में परिस्थितियां जब पैसे की डिमांड होने लगती है तो इंसान को जीवन में कुछ न कुछ अलग करना पड़ता है। तो मैंने 3 साल ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में काम किया है, सेल्स का, इंश्योरेंस में और रियल इस्टेट के अंदर में। और एक ही डर था कि अब शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 6 साल एक अच्छी संस्था के साथ काम करने पे अगर सक्सेस नहीं मिल पाएगी तो शायद ही कहीं मिल सकती है, और ये मेरी गलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी संस्था में समय देते हैं और दिल से काम करते हैं तो वो चीजें वापस आपके पास लौट कर आती हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर एक बहुत अच्छा डांस करने वाला इंसान डांस छोड़ दे और उसके मनपसंद का गाना कहीं बच जाए तो कदम थिरक जाते हैं। तो वही कंडीशन हमारे साथ भी हुई। दिसंबर 2016 के अंदर मुझे ये प्लेटफॉर्म देखने की अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर अमित दुबे सर का और शिव कुमार सर का, जिनके माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि एक बात कही जाती थी हमारी पुरानी संस्था के अंदर में कि जो इस कंपनी को छोड़कर जाता है वो कहीं सक्सेस नहीं होता, ये हमारा 16 साल का रिकॉर्ड है, ये हमारा 18 साल का रिकॉर्ड है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब जब वक्त करवट लेता है ना तो बाजिया नहीं पलटती, जिंदगी पलट जाती है। और ये हमारे साथ हुआ इन 3-4 सालों के अंदर में, जहाँ पे 6 साल मेहनत करने के बाद जिंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं आ पाई थी। दोस्तों मैं बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अमित सर के गाइडलाइन में और शिव कुमार सर के माध्यम से, प्यारी टीम के सपोर्ट से, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मांगता हूँ कि मैंने अमित दुबे सर के साथ बाइक पे भी जाके प्लान किया है, बस में भी जाके प्लान किया है, ट्रेन से भी सफर किया है, और सर का साथ मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और इन 3.5-4 सालों के अंदर में जो 6 साल की अचीवमेंट कुछ भी नहीं थी, आज 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट है। जहां मैं एक छोटी सी बाइक कहीं खरीद पाऊं इस विषय में सोचता था, आज मेरे पास चलने के लिए एक अच्छी बाइक है। विदिन 1 ईयर के अंदर मैंने बिजनेस से 12 लाख की WRV कार खरीदी थी और अभी हाल ही में मैंने यहां से ऑडी A6 परचेस की है, जो लोगों का दोस्तों सपना होता है। और निश्चित यहां जिंदगियां बदल रही हैं, और जिनको अभी भी लगता है कि उस कंपनी को छोड़कर सक्सेस नहीं मिल सकती है, वो आज का लाइव सेशन जरूर देख लें और अपने आप में एक डिसीजन लें। ये बताने को काफी है कि जिंदगियां बदलती हैं और पलटती हैं और ये सब कुछ है तो स्लीपलेस वेलनेस में संभव है। और समय का अभाव है इसलिए बातें बहुत हैं, लेकिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। दोस्तों अभी वक्त हो चुका है आप लोगों को अलविदा कहने का, लेकिन वंस अगेन एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पावर के साथ, मैं वंस अगेन जितने भी हमारे अचीवर्स गैलरी है मैं उन सबको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा,
लॉकडाउन अचीवर सेलिब्रेशन, ये हमारा फर्स्ट सेशन है। हम हर महीने आपसे मिलेंगे और उस हर महीने की अचीवर गैलरी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके सामने हम अचीवर गैलरी को लाएंगे। इस वीक हमारे पास ऑलमोस्ट 45 अचीवर्स गैलरी मौजूद थी, 45 लोग मौजूद थे, लेकिन हम लोग अगले महीने इससे ज्यादा अचीवर गैलरी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इससे ज्यादा लोगों को आपके सामने लाने वाले हैं। तब तक के लिए कुछ अनाउंसमेंट आपको करना चाहूंगा। दोस्तों हमारे पास अभी बहुत कम समय है, हमारे पास लैपटॉप की टारगेट चल रही है और बाइक की टारगेट चल रही है, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, आप लोग टारगेट पे जरूर फोकस करें। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ने का और ग्रो करने का मौका मिलता है, और मौका भी एक प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में मिलता है। आपने भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग केवल एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से अपनी जिंदगी में भटकते रहते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ये आपने हमेशा देखा होगा और हमेशा आपको लगा भी होगा। हम टारगेट अचीवर का नाम अभी नहीं लेंगे, हम टारगेट अचीवर का नाम लास्ट में लेंगे, यहाँ कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल एक अच्छे प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते या सक्सेसफुल नहीं है अपनी जिंदगी में, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनके लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट नहीं आ पाई, उनके लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं आ पाया। दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस एक मौका देती है हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करने का और अपने लाइफ में चेंजिंग लाने का। आज से जब 4 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत हमने की थी, तो दोस्तों यकीन कीजिए हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना सब कुछ यहां से आ सकता है, इतने बड़े अचीवर गैलरी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समय भय समय हमने एक्शन किया, काम किया और वो चीज करके दिया जो लोगों को चाहिए था, दिन रात एक किया, काम किया, और उसकी नतीजा है कि जहां जिस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं कि हर इंसान परेशान था, हर किसी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, अचीवर्स गैलरी की लाइन लगी हुई है। लगभग फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग 4 महीने का टाइम लॉकडाउन को होते हुआ है, और इस 4 महीने में मैं अगर अपनी पर्सनल अर्निंग की बात बताऊं तो लगभग 85+ इनकम आई है, यानी एवरेज 20 लाख से ऊपर की इनकम आई हुई है। ये सब कुछ हुआ है तो इस एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के बदौलत हुआ है, और एसलीपीएस वेलनेस में भी ये जो टीम है, जिन लोगों को अभी आप लोग देख रहे हैं, जो लोग आपके सामने मौजूद हैं, या जितने भी हमारे लीडर्स क्लब है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इन लीडर्स क्लब का, क्योंकि दिन रात ये काम कर रहे हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं और इनके काम की बदौलत इतनी बड़ी अचीवमेंट आई। और ये जो अभी 40 लोग आप जिनको लाइव देख रहे हैं, ये एक छोटा सा ग्रुप है जो इस महीने की अचीवर गैलरी, अगले महीने इसमें से बहुत लोग नहीं होंगे और भी लोग मिलेंगे। लगातार लग्जरियस कार की लाइन लगी हुई है, अभी अगले वीक में नेक्स्ट हमारे मिस्टर अविनाश गुप्ता जी मर्सिडीज लेने वाले हैं, मिस्टर प्रणव पांडे जी मर्सिडीज लेने वाले हैं, बहुत सारे अचीवर गैलरी हैं जो लगातार नई नई अचीवमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग दोबारा आपसे मिलते रहेंगे, बस एक ही चीज मोटा मोटी बोलना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म दमदार है और रियल में अगर आप चाहें तो आपकी जिंदगी में बदलाव कर सकता है, लेकिन अब वक्त है एक्शन लेने का। कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कई लोग अभी भी सोचने में लगे हुए हैं कि क्या करें ना करें। दोस्तों अगर ये सारा रूप देखने के बाद, इन सारे लोगों की स्टोरी सुनने के बाद भी आपके दिल में अगर आग नहीं लग रहे हैं और आज भी आप ये सोचने में लगे हुए हैं कि डिसीजन लेके काम करूं या सोचूं, तो मुझे लगता है कि फिर हमसे बड़ी गलती दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, और ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप फटाफट आए, एसलीपीएस के साथ कनेक्टेड हों। दोबारा आप लोगों से जरूर हमारी मुलाकात होगी। हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं जो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बार बार हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं, मिस्टर आदित्य सिंह जी। तो अगले बार हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आदित्य सर के फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, कि हम आदित्य सर को भी आपके बीच में लाने की कोशिश करें। शायद अगर हम लाते हैं तो आप देख सकते हैं आदित्य सर आ चुके हैं, इनका सर केवल दिखाई देता है हमेशा, बाकी हर चीज व्हाइट व्हाइट। तो लास्ट टाइम में मैं जरूर चाहूंगा आदित्य सर आप बात करें और इस सेशन की क्लोजिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सबसे पहले तो, और माफी चाहूंगा सर नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा मैं बार बार लेफ्ट हो जा रहा हूँ ग्रुप से। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। जैसे कि गुरु जी ने बताया, मेरा नाम आदित्य सिंह है और इस इंडस्ट्री में आने से पहले
मैं स्टूडेंट था गुरुजी के साथ, मुझे अपना करियर शेयर करने का मौका मिला आज से कुछ साल पहले, और ये मेरा सौभाग्य था कि मिस्टर अमित दुबे सर मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए। दोस्तों एक स्टूडेंट के साथ साथ इस करियर की शुरुआत की कुछ साल हुए हैं, और दोस्तों आज की डेट में मैं गुरुजी के आशीर्वाद से डायमंड लेवल एसटीपीएस वेलनेस में अचीव कर चुका हूं। आज की डेट में डायमंड लेवल पर पूरी कंपनी में इकलौता लीडर हूं जो बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कार मेंटेन कर रहा है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आज डायमंड लेवल पर 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कर रहा हूं। इसके पीछे भी मेरे सारे गुरुओं का आशीर्वाद ही है दोस्तों। आज की डेट में दोस्तों मात्र 29 साल की उम्र में 1 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट कर चुका हूँ। आज अपने खुद के फ्लैट में रहता हूँ। दोस्तों अगर ये सब कुछ हो पाया है तो एसटीपीएस वेलनेस के इस मजबूत प्लेटफॉर्म और हमारे सभी गुरुजन मिस्टर ज्ञानेश शर्मा सर, मिस्टर विकास गुरुजी, मिस्टर अमित कुमार दुबे सर और मिस्टर शिव कुमार सर, महिपाल सर जो इस इंडस्ट्री में मुझे लेकर आए और जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इन सारे लीडर्स की वजह से ये सब हो पाया है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे ही गुरुजी भी बता रहे थे कि इतना आपको सुनने के बाद और जानने के बाद भी अगर आपके अंदर का जो एक इंसान है अगर वो नहीं जागता है तो मैं तो ये बोलूंगा कि चेक करवाइएगा, आपके अंदर खून नहीं कहीं ना कहीं पानी बह रहा होगा। दोस्तों ये सारा अचीवमेंट अगर हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों के आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि आप भी इस यूजर गैलरी, इस अचीवर गैलरी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस आपको विश्वास करना है और विश्वास के साथ हम सारे लीडर्स का हाथ थामना है। और मैं सारे अप्लायंस के तरह से आपको कमिटमेंट करता हूँ कि जो अचीवमेंट आज से 3 से 4 साल के अंदर हमारे पास आया है वह अचीवमेंट आपके पास आएगा ही आएगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से हमारे टीम के यंगेस्ट बीएमडब्ल्यू अचीवर मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सिंह को भी बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको बीएमडब्ल्यू X1 लेने के लिए, और अब मैं बोल सकता हूं कि आपने अगर इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अमित कुमार दुबे सर का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा सेशन खत्म होने वाला है, ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त। पिछले 1.5 महीने का हमने ब्रेक दिया था जिसकी वजह से आज कम लोग लाइव आए हैं। मैं वादा करता हूं कि अगली बार 10,000 लोगों के साथ हम लोग लाइव आएंगे फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फेसबुक पे हम लोग आएंगे लाइव और अगली जो टारगेट है उसमें हम लोग अचीवर गैलरी बढ़ाएंगे। बस आप साथ मत छोड़ना, लगे रहना, अपनी टीम के साथ लगे रहना, लोगों से बातचीत करते रहना। बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाला है और आने वाले समय में वी आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों अगली जो लॉकडाउन अचीवर सेलिब्रेशन है आप पीछे देख सकते हैं, जो अचीवर सेलिब्रेशन हम मंथ जो जुलाई करेंगे, ये तो जून था, जुलाई जो करेंगे उसमें और बड़ी अचीवमेंट आप लोगों के पास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट।